Hello, students. Today we will learn about transitive verb. Okay. In previous video, we had already studied about complement. Okay. We uh, studied about complement in previous video. So now in this video, we will study about transitive verb. Okay. So see the definition. The verb which केरी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब देयर आर ट्रांजिटिव वर्ब एंड इन वर्ब हॉर टू टू काइंड ऑफ अकॉर्डिंग टू द टेंसेज ठीक है सो द वर्ब व्हिच कैरी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब जो वर्ब आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट <clears> ऑब्जेक्ट <throat> की जरूरत करता है any the verb which need the direct vor, direct object to complete the sentence is called a transitive verb okay so see the examples sima loves watching movie here loves is the verb and watching movie is direct object because it directly received the action loves so here it is the direct object and loves is the transitive verb okay next example मीना हेल्प्स हर मदर ओके मीना हेल्प्स हर मदर मीना लव्स होम मीना लव्स हर मदर हर मदर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट डायरेक्टली रिसिव्ड द एक्शन हेल्प यानी हेल्प को डायरेक्ट रिसीव करता है तो इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड हेल्प इज़ द वॉर एंड इट इज़ फाइनइट फॉर अर एंड इट रिस एंड इट कैरी द ऑब्जेक्ट दैट इज़ वाई इट इज़ द ट्रांजिटिक फॉर ओके okay, यानी जो ऑब्जेक्ट को जरूरत करता है यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो ज़रूरत करता है तो उस भर को हम बोलते हैं आपका ट्रांजिटिव भॉ नेक्स्ट एग्जांपल माय फादर ऑलवेज हेल्प्स मी यानी मेरे पापा जो है हमेशा मुझे मदद करते हैं किसको मदद करते हैं मी को मदद करते हैं आंसर ऑफ हुम होम का आंसर है एंड इट रिसीव्स द डायरेक्टली द एक्शन हेल्प सो हियर इट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हैल्प इज द फाइनेट फॉर एंड इट कैरी द ऑब्जेक्ट दैट इज वाई इट इज ट्रांजेटिव फॉर ये भी आपका ट्रांजेटिव फॉर हुआ ओके राजेशन ऐप्पल राजेशट वाट राजेश क्या खाया एन ऐप्पल खाया तो ये आंसर ऑफ वाट है वाट का आंसर है एंड इट डायरेक्टली रिसीव द फॉर एट सो दैट इज़ वाई एट इज़ द फाइनेटिव फॉर एंड इट इज इट कैरी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एन एप्पल सो दैट इज़ वाई एट इज़ द ट्रांजिटिव हॉर एट ट्रांजिटिव तो ये सारे एग्जाम्पल में से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो ऑब्जेक्ट को कैरी करता है यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैरी करता है ना सिर्फ ऑब्जेक्ट को बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैरी करता है उसी वर्ब को उसी फाइनाइट वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम्पल लोकेट माई ब्रदर गेव मी एन इंस्ट्रक्शन माई ब्रदर मेरा भाई जो है मुझे इंस्ट्रक्शन दिया तो यहाँ पे देखो मी एंड एन इंस्ट्रक्शन यानी दो दो ऑब्जेक्ट है यानी मी इज द यहाँ पे मैंने आपको बताया था जिस सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट होगा उन्हीं में से जो हुम का आंसर होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा एंड एन इंस्ट्रक्शन जो होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा यानी जो वाट का आंसर होगा जो वाट का आंसर होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हियर एन इंस्ट्रक्शन इज द आंसर ऑफ वाट तो आंसर ऑफ वा वाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एन इंस्ट्रक्शन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मी इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि मी जो होता है वो इनडायरेक्टली रिसीव करता है एक्शन को ठीक है यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है मी सो so हियर मी इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इंस्ट्रक्शन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड गैव गैफ इज़ द फाइनेट फॉर एंड इट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इंस्ट्रक्शन ओके इट सॉरी इट कैरी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इंस्ट्रक्शन दैट इज वाई गैफ इज द ट्रांजिटिव फॉर ओके तो इस तरह से आपको नेक्स्ट कर सकते हो सोनिया इज ईटिंग पिज्जा

आप इस तरह से घर में अगर दे एग्जाम्पल दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इन ट्रांजिटिव फॉर्म हमने ट्रांजिटिव फॉर्म के बारे में पढ़ा कि जो वर्ब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैरी करता है टू कंप्लीट द सेंटेंस उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं अभी इंट्रांजिटिव वर्ब जस्ट कंट्रारी यानी अपोजिट होता है ठीक है यानी जो वर्ब आपको ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करता है जो वर्ब ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करता है टू कंप्लीट द सेंटेंस उसको हम बोलते हैं इंटरजेटिवर एन इंटरजिव हॉर इज द अपोजिट ऑफ अ ट्रांजिटिव हॉर इट डज नॉट रिक्वायर एनी एन ऑब्जेक्ट टू एक्ट टू एक्ट अपन ओके जैसे आपको एक्ट करने के लिए यानी कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट को रिक्वायर नहीं करता है ठीक है दे जम्पड लोकेट द एग्जाम्पल दे जम्पड यानी उन्होंने जम्प किया ठीक है वे जम्प किए यानी कूदे आगे कोई नहीं है दे देर इज़ नो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं है सो so, यानी दे जॉम्पड जॉम्पड इज अ फाइनेट फॉर एंड यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और इसलिए हम उसको ये इंटरजेटिव फॉर बोलेंगे द डॉग रन द कुत्ता भागा ठीक है बट यहाँ पे वाट और हुम का आंसर नहीं दिया है यानी एक भी ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया है इसीलिए यहाँ पे रन इज द इंटरजेटिव फॉर ए लाइट वॉज साइनिंग ए लाइट वॉज साइनिंग वाज साइनिंग इज द फाइनेट फॉर एंड इट डज नॉट कैरी एन अब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करता है दैट इज़ वाई वाट साइनिंग इज द ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव फॉर ओके नेक्स्ट स्नो फेल यस्टरडे स्नो फेल यानी स्नो गिरा ठीक है कल गिरा यहाँ पे वाट और होम का आंसर नहीं है यस्टरडे कुछ वर्ड तो दिया है ओके okay. एक वर्ड दिया है बट ये आर्ट फॉर्म है ये कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर कोई इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होगा ही नहीं तो फिर इनडायरेक्ट कहाँ से आएगा दैट मीन्स यहाँ पे फेल ओके डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट यानी कोई ऑब्जेक्ट को रिक्वायर नहीं करता है तो यहाँ पे फेल इज़ द इंटरजटिव फॉर्म ओके नेक्स्ट दे वर्क हार्ड दे वर्क हार्ड या पे वो बहुत मेहनत करते हैं हार्ड जो होता है लाइक यस्टरडे इट इज द एडबॉर तो दैट मीन्स यहाँ पे हार्ड भी कोई वाट और होम का आंसर नहीं है यानी वर्क दर्क ओके डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं करता है तो तो वर्क वर्क इज़ द आपका इंट्रांजेटिव फॉर्म ओके तो इस तरह से हम ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव फॉर्म को फाइंड कर सकते हैं ठीक है और ये सब चीज़ें हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में ज़रूरत पड़ेगा इसलिए आपको माइंड में रखना है ठीक है सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ऑगजिलरी वर्ब हमने फाइनाइट वर्ब का जो टू काइंड्स हमने पढ़े थे मेन वर्ब और ऑगजिलरी वर्ब उनमें से हमने मेन वर्ब के बारे में आइडिया कर लिया ठीक है हमने पढ़ा लिया तो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब ओके ऑक्सिलरी देर आर टू टाइप ऑफ ऑक्सिलरी ओके वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड अदर इज मॉडल ऑक्सिलरी ठीक है प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी अब सबसे पहले आपको ये समझना है ओके okay, कि व्हाट इज ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब मीन्स वो क्या करता है ना मेन वर्ब को हेल्प करता है इसीलिए हम उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब ओके जब हम किसी को नेगेटिव बनाते हैं या फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वहां पे आपको विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब हम सेंटेंस बना ही नहीं सकते ठीक है सो वी विल स्टार्ट टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ऑक्सिलरी एंड इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट okay you all have to learn about auxiliary okay auxiliary is divided in two parts one is primary auxiliary and modal auxiliary so at first we will study about the primary auxiliary primary auxiliary is divided is classified into three parts okay one is do verb be verb and have verb okay do verb डू भार मीन्स आपको डू do, डज और डी आता है जिसमें आपको डू आता है ड आता है डी आता है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में ये सब यूज़ किया जाता है ठीक है देन बी वॉर बी भार जिसमें आपको कैटेगरी में आते हैं इज एम और प्रेजेंट टेंस के लिए एंड वज वॉर आता है पास्ट टेंस के लिए ठीक है एंड हैर में एच हैव और हैड आता है ठीक है एच और हैव फॉर द प्रेजेंट टेंस एंड हैड इज फॉर द पास्ट टेंस ठीक है इस तरह से आपको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है प्राइमरी ऑक्सिलरी को ठीक है सो एट फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डू ओके डू भर कर्ड डू के बारे में हम पढ़ेंगे डू कहाँ पे यूज़ करते हैं जनरली डू इज़ यूज फॉर सिंपल प्रेजेंटेंस सिंपल प्रजेंटेंस के लिए हम डू को यूज़ करते हैं वो आपको माइंड में बैठा देना है एंड इट इज़ यूज ओके ओनली फॉर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सिंपल प्रजेंटेंस में आपको जब नेगेटिव बनाओगे या फिर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखोगे तो वहाँ पे आपको डू का यूज़ किया जाता है डू और डच का यूज़ किया जाता है तो फर्दर द डू कहाँ पे लगाते हैं डू और तो हम लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बट डू कहाँ पे लगाते हैं इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज फास्ट पर्सन मैंने आपको फास्ट पर्सन के बारे में बताया था इन द फाइनेट वर्ब जब मैंने आपको फाइनेट वर्ब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि आपका सब्जेक्ट का पोर्शन क्या होता है तो फास्ट पर्सन में आपको आई आता है एंड वी आता है ठीक है तो आई जहाँ पे आपको होगा और थर्ड पर्सन आई एंड यू सेकेंड पर्सन भी होगा ठीक है यहां पे मैंने सेकेंड पर्सन नहीं लिखा है तो आपको सेकेंड पर्सन भी लिख देना है ठीक है हां यहाँ पे सेकेंड पर्सन लिखा है सेकेंड पर्सन में आपको यू आएगा तो आपको यू इधर लिखना है ओके एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में यूज किया जाएगा ओके फर्स्ट पर्सन जिसमें आई वी होता है एंड सेकेंड पर्सन में आपको यू आता है एंड थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में आपको सब्जेक्ट अगर होता है तो द एक्शन इज इन प्रेजेंट सिंपल और आपको सिंपल प्रेजेंट अगर दी होता है तो वहाँ पे हमने एज ए हेल्पिंग बॉर वी विल यूज डू ओके तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो जनरली डू इज़ यूज एज ए हेल्पिंग बॉर इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट ओके जहाँ पे आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है तो इस तरह से आपको बना सकते हो देखो यहाँ पे आई डोंट वॉन्ट टू वॉच मूवी ठीक है यहाँ पे डू आई आपका फर्स्ट पर्सन है और डू हमने नेगेटिव बनाया इसलिए आई डोंट वॉन्ट टू वॉच मूवी यहाँ पे वॉन्ट इज द मेन भर एंड डू लगाया और डू यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट यूज़ करना है यह आप टें पढ़े हो गए इसलिए मैं डिटेली नहीं जा रहा हूँ आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ ठीक है यार देखो यू इज दू इज द आपका सेकेंड पर्सन ओके यहाँ पे यू के पास मैंने आपको बोला था डू लगेगा डू के बाद आपको नॉट लगाना है यू डोंट ओके एंड यार यहाँ पे डू आया बट डू इज एज अ मेन भार यहाँ पर यूज़ किया गया यू डोंट डू दिस वर्क यानी तुम ये वर्क करते नहीं हो तो यहाँ पे डू जो होता है मेन फॉर्म है और इसका हेल्पिंग वर्ग डू यानी दो दो डू यहाँ पे यूज किया गया है टू डू नेक्स्ट दे ओके दे डोंट प्रे टू गॉड यानी वो भगवान को प्रे नहीं करते हैं यानी दे इज द आपका प्लुरल फॉर्म है थर्ड पर्सन प्लुरल है ये थर्ड पर्सन है बट प्लूरल फॉर्म है इसलिए मैंने आपको बतल, बोला था कि एक्चुअली थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो भी आपको डू यूज़ किया जाता है ठीक है यानी दे डोंट प्रे टू गॉड डू दे लव ईटिंग पिज़्ज़ा ये इंटरोगेटिव हो गया है ओके जब आपको yes नो इंटरोगेटिव करते हो तो आपको डू को आगे लेके आते हैं डब्ल एच इंटोरोगेटिव में भी आपको यूज़ किया जाता है आप टेंस में पढ़े होगे ठीक है ना तो इसलिए मैं डिटेली नहीं जा रहा हूँ बट इसके बारे में मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको क्लियरली समझा दूंगा आई विल क्लियरली एक्सप्लेन यू इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डू दे लव ईटिंग पिज्जा ठीक है डू यू वांट टू प्ले विथ अस ठीक है क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो तो यहाँ पे डू जो होता है आपको इंटोरोगेटिव में भी यूज किया गया है ठीक है so, सो आ, अभी हम डज के बारे में पढ़ेंगे डॉज डी ओ ई एस डोज जिस तरह से आपको डू यूज़ किया गया है उसी तरह आपको डॉज भी सिंपल प्रेजेंट पर यूज़ किया जाता है लेकिन एक ही रूल आपको चेंज होता है कि वहाँ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का रूरल के पास डू यूज़ होता था यहाँ सिर्फ आपको सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर बनेगा तो वहाँ पे आपको डॉज़ यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब जैसे एज ए प्रनाउन ही और सी ओके इट ही सी इट और बहुत सारे सिंगुलर मतलब थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो नेम हो बहुत सारे है तो वो सबके पास आपको डज लगेगा इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में सिर्फ आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव में होगा आपको अफर्मेटिव में यूज़ नहीं किया जाएगा सुरेश लव्स ईटिंग आइसक्रीम यहाँ पे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस है देखो यहाँ पे सुरेश लव्स यहाँ पे मैंने कोई डॉज़ यूज नहीं किया ठीक है आवर स्कूल अरेंजेस ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम एवरी ईयर हमारे स्कूल बहुत सारे प्रोग्राम यूज करते हैं यहाँ पे भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस है लेकिन जब हम उसको नेगेटिव बना देते हैं तो सुरेश नॉट लव ईटिंग आइसक्रीम देखो यहाँ पे लव्स था तो यहाँ डज नॉट लगा दिया है और लव कर दिया है यहाँ पे एस हटाकर लव से पहले आपको डज लगाया फिर नॉट लगा दिया ठीक है और सुरेश इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर इसीलिए यहाँ पे आपको डज नॉट हुआ डज लगा के यहाँ अगर दी प्लूरल होता या फिर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन होता तो यहाँ पे डू हो जाता ठीक है आवर स्कूल डज नॉट अरेंज ओके एनी टिकेट एनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम एवरी ईयर जो हमारा स्कूल है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसीलिए यहाँ पे डॉज किया गया है ठीक है ठीक उसी तरह लाइक like दिस आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस तो डॉच को आगे लेके आ जाना है डॉज आवर स्कूल अरेंज एनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम एवरी ईयर ओके तो ये था आपका डू और डॉज के बारे में बट डीड के बारे में हम अब पढ़ेंगे नाउ वी विल कंटिन्यू विल कंटिन्यू द स्टडी यूज ऑफ डीट ओके लाइक डू और डॉज डीड इज यूज इन सिंपल पास्ट ओके डू और डॉज का रूल अलग था ठीक है डू आपको सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल होता था तो वहां पे हमें डू यूज करते थे इन द सिंपल प्रेजेंट इन नेगेटिव एंड इंटरगेटिव ओके बट हियर ओके डॉज आपको सब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर होता था तो वहां पे डॉज यूज करते थे ठीक है बट ये जो डीड होता है डीड इज़ यूज फॉर सिंपल पास्ट आप जब सिंपल पास्ट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करोगे तो वहाँ पे आपको डीड होगा चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी पर्सन में हो ओके okay. जैसे नेगेटिव सेंटेंस राजेश डिड नॉट डू हिज होमवर्क यानी राजेश जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है बट यहाँ पे डीड लगा डिड नॉट डू हिज होमवर्क और डिड के बाद नॉट फिर आपको मेन भर डू आ गया तो उसी तरह आई डिड नाट टेल हिम एनीथिंग यहाँ पर सब्जेक्ट आपको आई आया और मैंने डिट लगा दिया ओके फिर नॉट टेल हिम एनीथिंग तो इस तरह से हमने बनाया तो आई के जगह पर यू कर सकते हो दे कर सकते हो कोई भी कर सकते हो बट यहाँ पर डीड ही होगा फॉर द सिंपल पास्ट ठीक है इसका कोई और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होगा ये सिर्फ टेंस के अनुसार होता है ठीक है जब सिंपल पास्ट हुआ तो आपको डीड लग गया ओके नेक्स्ट आपको इंट्रोगेटिव में डिड यू टेल हिम एनीथिंग आपको डीड आगे लेके आया सब्जेक्ट पीछे आया टेल हिम एनीथिंग डी डी योर फादर गो टू मुंबई ठीक है तो इस तरह से आपको डी दी को डीड को यूज किया जाता है फॉर सिंपल पास्ट इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट द चैप्टर ओके यूज ऑफ डू डीट চ অ'কে এট হোম ডু দ প্ৰেকটিছিং আপ ওক প্ৰেকটিছিং কৰো অ'কে আৰু ট্ৰাই টু ৰাইট ডিফৰট টাইপ অফ চেণ্টেঞ্চ এণ্ড ডিট অ'কে